हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग देखेंगे डाइस में अगला पार, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि डाइस को अगर चारों तरफ से कलर कर दिया जाए, एक पासा हो और उस पासे को चारों तरफ से किसी एक रंग से क्या कर दिया जाए, रंग दिया जाए, तो उस पासे को फिर उसके साइज के आधार पर उसे कई भागों में, कई छोटे छोटे घनों में बांट दिया जाए, तो उनके सतहों पर उपस्थित रंगों की स्थिति अर्थात कितने घन या पासा ऐसे होंगे जिनके सतह पर या जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, कितने घन या पासा ऐसे होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी, कितने घन या पासा ऐसे होंगे जिनकी तीन सतह क्या होगी, रंगीन होगी। ठीक है, चलिए उसी के आधार पर आज हम लोग कुछ प्रश्न करने का प्रयास करेंगे और उस प्रश्नों को, इस चीज़ को प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमने एक प्रश्न लिया है और इस प्रश्न के आधार पर हम लोग देखेंगे या सीखने का प्रयास करेंगे कि जब एक घन को चारों तरफ से कलर कर दिया जाता है, एक घन को चारों ओर से किसी रंग से रंग दिया जाता है, तो उस रंगे हुए घन पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं या बनने की संभावना होती है। ठीक है, देखिएगा, जैसे हमने एक प्रश्न लिया, एक 6 सेमी के घन को सभी तरफ से लाल रंगों से रंगा गया है, यानी हमने एक 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला क्या ले लिया, घन लिया, और उस घन को चारों तरफ से यानी उसके 6 फलकों को, 6 सतहों को एक लाल रंग के कलर से क्या कर दिया, पूरी सतह को कलर कर दिया। ठीक है, अब और क्या कह रहा है प्रश्न में, लाल रंग से रंगा गया, इसको 6 समान भागों में काटा जाता है, यानी यह जो 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला जो हमने घन लिया है, इस घन को 6 समान भागों में क्या किया गया, बांटा गया, अर्थात 6 सेंटीमीटर सॉरी 1-1 सेंटीमीटर के 6 टुकड़ों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, यानी एक 6 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला घन था, उसे हमने 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और ऊंचा, यानी 1 सेंटीमीटर के लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घन में हमने उसे क्या कर दिया, बदल दिया, अर्थात एक 6 सेंटीमीटर के घन को हमने 6 टुकड़ों में क्या कर दिया, बांट दिया, बांट दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन सकता है कि भाई जो हमने 6 सेंटीमीटर का घन लिया था, उसे हमने 1 सेंटीमीटर वाले घन में जब बदला है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी, अर्थात एन का मान जब बात करेंगे कुल घनों की संख्या की, कुल घनों की संख्या की जब बात होगी तो हम लिखेंगे क्या, कुल घनों की संख्या, घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या बराबर, अब कुल घनों की संख्या को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं या इसे स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने जो प्रश्न लिखा है, अभी हम बताएंगे कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो 6 समान भागों में काटा जाता है, तो हमने पूछा कि भाई जो 6 सेंटीमीटर लंबा हमने जो घन लिया था, उसको जब 6 टुकड़ों मतलब 6 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, अर्थात 1-1 सेंटीमीटर के घनों में जब उसे हम काटेंगे, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी ना। सबसे पहले हम अगर बात करें तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन अर्थात बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब, यानी बड़े घन की भुजा का क्यूब क्या हो जाएगा, 6×36 = 216, और छोटे घन की भुजा का क्यूब 1, अर्थात 216 में जब 1 से भाग करेंगे, यानी एन का मान कितना आएगा, तो एन का मान हमारा कितना आएगा, 216। एन का मान कितना आएगा भाई, 216। यानी अगर हम बात करें तो कुल घनों की संख्या हमारी क्या होगी, कुल घनों की संख्या बराबर होगी भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, यानी 6 सेंटीमीटर जो हमने लिया है घन को, इसी का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, अर्थात कुल घनों की संख्या बराबर बड़े वाले घन के आयतन बटे छोटे वाले घन का आयतन। तो बड़े वाले घन का आयतन मतलब भुजा का क्यूब, 6×6×6 यानी 6 का गुणा 6 में 3 बार करेंगे, 6×6×6 बराबर कितना होगा, 216। 1 का गुणा 1 में 3 बार करेंगे, 1×1×1 अर्थात 1×1×1 बराबर 1, 216 में 1 से भाग करेंगे, आंसर कितना आएगा, 216। यानी पहले वाला जो हमारा प्रश्न है, अब इसके आधार पर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इन प्रश्नों की अगर हम बात करें, इन प्रश्नों की बात करें देखिएगा तो कितने टाइप के बन सकते हैं। जैसे हमारा पहला ही प्रश्न कह रहा है कुल कितने घन बनेंगे, तो कुल कितने घन बनेंगे भाई, तो हम जानते हैं कि भुजा का क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, भुजा का क्यूब, जब भुजा का क्यूब करेंगे अर्थात एन का क्या होगा, q
क्यूब होगा, यानी एन का मान कितना है, सिक्स है, एन का मान सिक्स है, एन जो है हमारी भुजा है, तो भुजा का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216। यह तो ट्रिकी मेथड है, क्या है ट्रिकी मेथड। अगर हम बात करें बेसिक की, तो बेसिक में होता है कुल घनों की संख्या बराबर स्मॉल एन बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। पहले वाले सवाल का जो आंसर होगा इस प्रकार से हम लगाएंगे, कुल घनों की संख्या बराबर, कुल घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, आ गया 216। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, इसकी बात करें दूसरे की, तो कह रहे कितने ऐसे छोटे घन हैं जो हमने 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा घन लिया है, उस बड़े से घन में कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है इसे हटा दें। चलिए इसे हमने हटा दिया। अब दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, अर्थात जो हमने 6 सेंटीमीटर का घन लिया था। अगर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं कि हमने एक घन लिया है कुछ इस प्रकार का 6 सेंटीमीटर, अर्थात इसमें 6 भुजाएं होंगी। ध्यान दीजिएगा बस समझने के लिए, हालांकि हमने पहली क्लास में ऐसा डायग्राम बना के आपको समझाया है, पहली क्लास में इस टाइप का डाटा बना के हमने आपको क्या किया है, समझाया है। ध्यान दीजिएगा, जब इसे हम 6 समान टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, 6 समान टुकड़ों में क्या करेंगे, बांटेंगे, 1 2 3 4 4 5 6, दिख रहा है सर, ये हो गया 6। थोड़ा सा और नीचे बढ़ा देते हैं, इधर से हो जाएगा 1 2 3 3 के बाद 4 5 और ये हमारा 6। समझने के लिए देखिएगा, इधर से भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इधर से अगर हम बात करें इधर से भी होगा 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट वाला 6, क्लियर। ठीक इसी प्रकार से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इधर से भी हो जाएगा हमारा 1, यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हो गया। चलिए अब हम कहना क्या चाहते हैं, देखिएगा जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो प्रश्न कहना क्या चाहता है, कुछ इस प्रकार का जो हमारा घन होगा, इस प्रकार का घन होगा ना, सॉरी 1 2 3 4 5 और 6, थोड़ा छोटा है पर समझने के लिए काफ़ी है, 1 2 3 4 5 और 6, ओके। चलिए अब जो प्रश्न हमारा कह रहा है, दूसरा प्रश्न, उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। तो हमने 6 सेंटीमीटर में, यानी 6 छोटे छोटे टुकड़े में इसे क्या कर दिया है, बांट दिया है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़ों में बांट दिया है ना चारों तरफ से, 1 2 3 4 5 6, क्लियर बांट गया। चलिए अब प्रश्न क्या करें, जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, अगर हम सतह की बात करें तो ये जो कोने पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे, ये भी रंगीन होगा, यह भी रंगीन होगा, यह भी होगा और यहाँ वाला भी होगा, होगा ना। अब यहाँ पर यह जो किनारे वाले हैं, ये लोग जो सतह पर हैं, ये भी रंगीन होंगे, यह भी क्या होगा, कलर होगा, यह वाला भी क्या होगा, कलर होगा, किनारे वाला भी क्या होगा, कलर, मतलब जितने पहले किनारे किनारे वाले हैं ये लोग तो अपने आप खुद ब खुद क्या होंगे भाई, खुद ब खुद क्या होंगे, कलर होंगे, इनको में कोई शंका नहीं है, कोने वाले भी अपने आप क्या होंगे, कलर होंगे। नहीं होने की जो संभावना है, अब नहीं होने वाली की अगर हम बात करें,
ये जो ऊपर, यह ऊपर वाला हमारा टॉप वाला साइज दिख रहा है, ऊपर वाला दिख रहा है ना। अब ऊपर वाले यानी ये पूरी की पूरी सतह ऊपर से कलर है कि नहीं है, हमने चारों तरफ से रंगा हुआ है, यानी ऊपर की ये जो एक साइज होंगे, मतलब यह वाला जो हिस्सा होगा इधर, यह नीचे वाला है, इस वाले पूरे टुकड़े को उठाए, टुकड़े को उठाए, इस ऊपर वाली सतह के सभी फलक क्या होंगे, रंगीन होंगे। लेकिन जैसे ही इस फलक को हटा दें, उठा दें, यह बीच में जो बचेगा, बीच में जो सतह आपकी बचेगी, यह वाली ध्यान दीजिएगा, बीच में यह जो सतह हमको बचेगी, यह ऊपर से तो क्या है, ऊपर से क्या है भाई, कलर है। उसी प्रकार यहाँ से यह जो बीच वाली फलक बचेगी आपकी, यहाँ से यह जो बीच वाली फलक आपकी बच रही है, यह बीच वाली बच रही है ना, इस फलक को भी एक साइज को, मतलब यह वाला हिस्सा, इसको उठाकर अलग कर दें। उसी प्रकार यहाँ से यह जो बीच वाला हिस्सा होगा, यह जो बीच वाला हिस्सा होगा, यह भी आपस में क्या होगा, सामने से कलर होगा, लेकिन इसका एक ईंट सामने से हटा दे, इधर से हटा दे, एक ईंट इधर से हटा दे, एक ईंट ऊपर से उठा दे, हटा देंगे तो एक एक सतह चारों तरफ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। जब एक सतह हटा देंगे तो टोटल कितनी सतह है, टोटल कितनी सतह है, छः है। तो एक हमने ऊपर से हटा दिया, एक नीचे से हटा दिया, तो बीच में कितनी सतह बची, चार। कितनी सतह बची भाई, चार। कितने बचे, चार। और ऐसी ऐसी कंडीशन कितनी बार है, ऐसी ऐसी कंडीशन एक बार इधर, एक इधर, एक इधर, तीन सामने है और तीन क्या है, पीछे है। तो इसके लिए हम लोग आसानी वाला एक ट्रिकी फार्मूला या बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी एक भी सतह क्या होगी, कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। इसके लिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एन माइनस टू का क्यूब, एन माइनस टू का क्यूब क्यों कह रहे हैं, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, अर्थात सतह की अगर हम बात करें तो n का मान कितना होगा, चार। चार क्यों होगा, क्योंकि नीचे वाला एक जो फलक है वह नीचे यानी अंदर से भी क्या है, ऊपर, मतलब यह वाला जो ऊपर वाला फ्रंट है यहाँ से भी तो कलर है, अर्थात नीचे वाला भी तो क्या होगा, कलर होगा, साइड से भी कलर है। और प्रश्न कह रहा है कि एक भी सतह रंगीन ना हो, यानी एक सतह को नीचे वाला छोड़ दे, एक सतह ऊपर वाली छोड़ दे। तो जब एक ऊपर छोड़ दिए, एक नीचे छोड़ दिए, तो बीच में चार ही बचे ना। अब एक इधर छोड़ देंगे दाई ओर और एक इधर छोड़ देंगे बाई ओर, तो इधर भी कितने बचेंगे, चार। अर्थात n का मान कितना होगा, चार होगा, सॉरी n का मान छः होगा, चार नहीं, n का मान छः, यानी भुजा का मान कितना है, छः माइनस का दो। माइनस का दो क्यों, क्योंकि दो सतह ऐसी है जो ऊपर और नीचे से क्या हो रही है, कलर हो रही है, कलर हो रही है। अब इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा चार का क्यूब, यानी चार का क्यूब, चार बुढ़े चार बुढ़े चार, चार चौका सोलह चौका चौंसठ, यानी चौंसठ घन ऐसे होंगे जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे एक एक सेंटीमीटर के, चौंसठ घन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह, जिनकी एक भी सतह क्या होगी, रंगीन नहीं होगी। चौंसठ घन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह क्या होगी भाई, रंगीन नहीं होगी, कलर नहीं होगी। अर्थात पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, पहले में कह रहा है कुल कितने घन बनेंगे, तो कुल कितने घन बनेंगे, इसके लिए हमने बताया एक बेसिक फार्मूला, बड़े वाले घन का आयतन बटे छोटे वाले घन का आयतन। घन का आयतन भुजा का क्यूब, बड़े वाले घन के भुजा का क्यूब, छः का क्यूब बटे छोटे वाले घन की भुजा का क्यूब, यानी एक का क्यूब। छः के क्यूब में से एक का क्यूब से क्या करेंगे, भाग करेंगे, छः का क्यूब 216, एक से भाग कर देंगे 216, क्लियर। दूसरा, कितने ऐसे छोटे घन होंगे, सॉरी हाँ, कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, जिसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया, फार्मूला भी बताया, एन माइनस टू का होल क्यूब, एन भुजा का मान छः और माइनस टू का क्यूब, यानी छः में से दो घटाएंगे चार, चार का क्यूब हो जाएगा 64। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी। अब भाई एक सतह की बात करें, तो जब एक सतह की बात हम कर रहे हैं तो ये जो किनारे किनारे पर होंगे इनकी तो दो सतह रंगीन होगी, अब ये जो कोने पर होंगे इनकी तो तीनों सतह रंगीन होगी। कोनों की बात करें, कहीं तीनों सतह का पूछा है, यहाँ पर पूछा है कितने ऐसे घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगीन होगी। तीन सतह की अगर हम बात करेंगे तो जितने कॉर्नर होंगे, तो एक घन में कितने कोने होते हैं, एक ऊपर दाएं बाएं पीछे, यानी चार ऊपर और चार नीचे। अर्थात जब किसी को घन में सतहों कोनों की बात करें कि कितने ऐसे घन होंगे जिनके तीन सतह रंगीन होंगे, इसका तो सीधा सा आंसर क्या होगा, आठ होगा। क्या होगा भाई, इसका सीधा सा आंसर आठ होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऊपर के चार कॉर्नर, नीचे के चार कॉर्नर, इसके अलावा और कोई कॉर्नर है नहीं है। अर्थात तीन सतह की जब बात कर रहा है, कितने घन ऐसे होंगे या कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी तीन सतह क्या है, कलर है, तो उनका सीधा सीधा आंसर क्या है, आठ। इसमें कोई फार्मूला नहीं। चलिए अब बात आती है तीसरे की,
कितने ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी। जब बात एक सतह की है तो किनारे किनारे पर तो तीन तीन सतह वाले हैं, एकदम किनारे पर जो लाइनिंग है इसके तो दो दो सतह वाले हैं, अर्थात एकदम किनारे किनारे को छोड़ दीजिए, एकदम किनारे किनारे को छोड़ दे तो बीच में कौन कौन बच रहा है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अर्थात चार गुणे चार यानी चार चौका 16, चार चार आठ, चार तीन 12, यानी 12 ऊपर 12 नीचे, इसके विपरीत नीचे, 12 दाएं 12 बाएं, 12 आगे और 12 पीछे, अर्थात चार इधर होंगे ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह 12, 12 हो गए। और एक घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं, तो 12 गुणे 6, 12 छः कितना होगा, 12 छः 72। अब ऐसे आप काउंट कर रहे हैं कि एक सतह के कलर वाले कितने घन होंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए 16, यानी एक दो तीन चार, चार लंबाई के, एक दो तीन चार, चार चौड़ाई के, चार गुणे चार बराबर कितना होगा 16 होगा, क्लियर। या इसके लिए हम फार्मूला भी कर सकते हैं, चीजें समझ में आई। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है, जब बात एक सतह की कर रहा है तो कोने वाले को तो पहले छोड़ दीजिए, किनारे वाले को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि किनारे में एक ऊपर वाली सतह भी कलर है और नीचे वाली सतह भी क्या है कलर है। साइड की भी बात करेंगे तो दाईं ओर की भी कलर है, बाईं ओर की भी कलर है, नीचे की बात करेंगे तो ऊपर वाली भी कलर है और नीचे वाली भी कलर है, अर्थात ये जो बीच में चार लोग बच रहे हैं ना, बीच में जो चार लोग बच रहे हैं वही क्या होंगे, वही घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह क्या होगी, रंगीन होगी। जब एक बात एक सतह की हो रही है तो इसके लिए हम आसान सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, इसको हटाएं इरेज कर देते हैं ताकि जगह बच जाए हमारे पास। चलिए देखिएगा, दूसरा हो गया, तीसरा हम लोग कर रहे हैं। जो चीजें नहीं समझ में आती है आप कमेंट कर सकते हैं, उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तीसरा देखिएगा, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, तो बात करेंगे घन की, तो घन में कुल कितने फलक थे, घन में कुल कितने फलक थे 6, और कितनी भुजा हम लोग छोड़ रहे थे ऊपर नीचे दाएं बाएं से 2 छोड़ रहे थे, अर्थात 6 माइनस n क्यूब नहीं क्या होगा स्क्वायर। अब n का मान हम क्या रखेंगे, n का मान तो 6 ही रखेंगे ना, ये तो 6 हमने क्या रखा है, 6 फलक की साइज हमने रखी है। और बात करेंगे कितनी सतह पर है, तो एक ऊपर एक नीचे दाएं बाएं आगे पीछे यानी 6, अर्थात 6 गुणे 6 में से 2 गया कितना आएगा भाई, स्क्वायर कर देंगे यह हो जाएगा 6 गुणे 4 चौका 4 हो गया, 4 चौका 16 और 16 छक्का 96, यानी 96 घन ऐसे होंगे, 96 घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह क्या होगी, रंगीन होगी, अर्थात एक सतह पर क्या होगा कलर होगा, ठीक है। कितनी सतह पर, एक सतह पर क्या होगा कलर होगा, हो गया क्लियर। कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह पर कलर होगा या रंगीन होंगे, तो 6 ब्रैकेट में n माइनस 2, n क्या है तो घनों की संख्या, कुल बनने वाले छोटे घनों की संख्या 6 है, यानी या बड़े वाले घन की भुजा का मान है 6, हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 में से 2 घटा देंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 6 का गुणा करेंगे 16 छक्का 96, दूसरा हो गया। चलिए सॉरी, तीसरा प्रश्न था हम लोगों का, अब बात करते हैं चौथे की। चौथा कह रहा है कुल या कितने ऐसे घन होंगे जिनकी दो सतहें रंगीन है, वही 6 वाला ही है। कितने ऐसे घन होंगे जिनकी दो सतहें क्या है, रंगीन है। जब हम बात करेंगे दो सतहों की, किसकी, दो सतहों की, अब हम देखेंगे कि जो हमारा घन होता है ना, एक तो जो घन होता है इस घन के किनारों पर, इस घन के किनारों पर कुल कितने छोटे छोटे घन आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, घन हमारा कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है ना। अब इसमें हमने बताया कि 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हमने इसे क्या कर दिया है, बांट दिया है। 6 घनों में हमने इसे क्या कर दिया है, बांट दिया है, अर्थात इधर से इधर भी 6 होगा, इधर से इधर भी क्या होगा 6 होगा, और इधर से इधर भी क्या होगा 6 होगा, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5
क्लियर, यानी एक छ इधर हो गया, एक छ इधर हो गया और एक छ इधर हो गया, उसी प्रकार एक छ इधर भी तो होगा, एक छ इधर भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा, और एक छ नीचे यानी दाईं ओर भी तो होगा, इधर भी तो होगा भाई, यानी एक इधर हो गया, एक यहाँ हो गया, दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक यहाँ हो जाएगा छः, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः हो गए। यानी अगर कुल किनारों की हम बात करें, एक घन में कुल कितने किनारे होंगे, तो जब किनारे की बात करेंगे तो एक यह हो जाएगा, एक दो, एक दो इनके पीछे, दो दो चार, यानी दो दो चार इधर हो गए, दो ऊपर दो नीचे, चार चार कितने हो गए, आठ हो गए। अब किनारों की बात कर ले तो दो इधर यानी आठ चार बारह, कुल कितने किनारे होंगे, बारह। बात कर रहा है कि जो किनारे पर होंगे उन्हीं की ना दो सतह कलर होगी, जो किनारे पर होंगे उन्हीं की ना दो सतह कलर होगी भाई, कि जो बीच में होगा या जो कोने पर होगा। अब जो कॉर्नर पर है उसकी कुल कितनी सतह कलर होगी, जो किनारे पर है उसकी तो तीनों सतह कलर हो जाएगी, किनारे वाले को तो वैसे ही छोड़ देंगे, जब किनारे वाला छूट जाएगा तो बचेगा क्या, यानी टोटल हमारे पास लाइनिंग कितना है, तो टोटल लाइनों की संख्या हमारे पास 12 है, कितनी है 12, क्लियर। चलिए अब टोटल लाइनों की संख्या हमारे पास जब 12 है तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला डिराइव होगा, बनेगा 12 गुणे एन माइनस टू, 12 गुणे एन माइनस टू, एन माइनस टू क्यों, क्योंकि हर एक साइज में एक किनारे में एक ऊपर से तीन सतह वाला एक कोना मिल रहा है, एक नीचे एक कोना मिल रहा है, एक ऊपर कोना मिल रहा है और एक नीचे कोना मिल रहा है, दो कोने मिल रहे हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे, जब दो कोने मिल रहे हैं उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ऐसे दो कोने मिलेंगे एक ऊपर एक नीचे, तो दो छोड़ना पड़ेगा। अब इसका मान रख दीजिए, मान रख दीजिए, जब हम मान रखेंगे देखिएगा तो 12 एन का मान 6 हो जाएगा, 12 अब एन में 6 में से क्या घटाएंगे, 6 में से दो घटा देंगे, तो 12 गुणे 4 यानी 12 चौको 48, 48 घन ऐसे होंगे जिनकी दो सतहें क्या होंगी, रंगीन होगी, 48 घन ऐसे होंगे जिनकी दो सतहें क्या होंगी, रंगीन होगी। इसके लिए हमने यह फार्मूला जनरेट किया, फार्मूला क्या है उसके आधार पर, यानी घन के आधार पर हमने रख दिया, यहाँ पर भी हमने एक जनरेट किया, इसमें जनरेट वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने उसके भुजा के आधार पर उसका क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, यहाँ पर भी सेम हमने वही चीज़ की है, उसके भुजा का मान हमने रख दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा या आपका पांचवा, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी तीन सतह क्या होंगी, कलर होंगी, तो घन के किनारे पर, तो एक घन में कुल कितने किनारे यानी कोने होते हैं, आठ होते हैं, तो आठ क्या होंगे जिनकी तीन सतह क्या होगी, कलर होगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के, अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है घुमा के, जैसे कह रहा है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होगा, कम से कम एक सतह पर क्या होगा, रंग होगा। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखने का अगर हम प्रयास करें तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, कुल कितने घन बनेंगे एन क्यूब, कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं होगा, कुल कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह पर कलर नहीं होगा, यानी पहले वाले फार्मूले में से दूसरे वाले फार्मूले को माइनस कर दें, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दें तो हमारे सतवें का आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कुल घनों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहे हैं कि कुल ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह पर कलर नहीं होगा, जिनकी एक भी सतह पर कलर नहीं होगा, दोनों का मान आपस में रख देते हैं। देखिएगा जैसे हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे इसके लिए एन क्यूब माइनस एन माइनस टू का क्यूब, एन का मान 6, एन का मान 6 का क्यूब माइनस एन का मान 6 माइनस टू का क्यूब, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 6 का क्यूब यानी 216 माइनस इधर हो जाएगा 4, 4 का क्यूब 4, 4 चौका 16, चौका 64। अब 216 में से 64 घटा दीजिए, 216 में से 64 यानी 6 में से 4 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 152, आंसर कितना आएगा भाई 152। यानी कम से कम की अगर बात कर रहा है तो कम से कम एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितना होगा,
152, कम से कम एक घनों के रंगीन होने की संभावना कितनी है? 152। या इसे हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं भाई? कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है? कितने ऐसे छोटे घन हैं, उसको तो मत लीजिए, छोड़ देंगे। या हाँ, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है? 96। कितने ऐसे घन हैं जिनकी दो सतह रंगीन है? 48। और कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह क्या है, रंगीन है? तो 8। 96 + 48 + 8 करेंगे, 96 + 48 + 8 करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 96 + 48 + 8, या इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, 96 + 48 + 8। ठीक, अब जोड़ दीजिए, 8 8 16 6, 8 8 16 16 6 6 12 22, हाथ में लगा दो, 9 4 13, 9 4 13 2 15, 9 4 13 2 15, कितना आया भाई? 9 4 13 2 15। कम से कम की बात कर रहा है ना, यानी सीधा सीधा यह वाला जो प्रश्न है हम लोगों का, सातवां वाला, यह दूसरा प्रश्न ही है, सीधा सीधा आपसे कह रहा है ना कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह, सॉरी हाँ, कम से कम एक सतह क्या होगी, कलर होगी। यानी कान को पकड़ा है लेकिन थोड़ा सा घुमा के समझने का फिर है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिए, कुल बनने वाले घनों की संख्या, अब कुल ऐसे कितने घन जिनमें एक भी कलर नहीं होगा, तो बने वाले घनों की संख्या 216, और ऐसे घन जिनका एक भी कलर नहीं होगा तो 216 में से 64 घटा दीजिए, 192। या एक सतह रंगीन घनों की संख्या 96, दो सतह रंगीन घनों की संख्या 48, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या 8, 96 + 48 + 8 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 192। इसे आप टू टाइप से भी कर सकते हैं। सेम सवाल सातवां भी है। अब सातवां क्या कह रहा है? सातवां कह रहा है कि कम से कम कुल घनों की संख्या कितनी हो, 12 कह रहे हैं। कम से कम ऐसे कितने घन होंगे, या ऐसे छोटे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह क्या होगी, रंगीन होगी। कम से कम ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी दो सतह क्या होगी, रंगीन होगी। तो इसके लिए भी कुछ इसी टाइप का क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। आप चाहें तो इसका अपने से एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम बात करें, कम से कम दो घनों की जब बात कर रहा है, तो कम से कम दो घनों के लिए हमने क्या किया, अब सीधा सीधा दो घनों की बात कर रहा है तो इसमें एक घन को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। दो घन की बात कर रहा है ना, एक घन की तो बात करेंगे नहीं, जब दो घन की बात करेगा तो दो में आपका 3 भी आ जाएगा और 2 भी आएगा, अर्थात 48 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 48 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 56। 8 + 48 = 56। ऐसा क्यों कह रहा है, कि कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कम से कम दो सतह क्या है, रंगीन है। कम से कम दो सतह, एक की बात नहीं कर रहा है, दो की बात कर रहा है। तो कम से कम दो में, तो तीन सतह में भी तो दो सतह रंगीन है, और दो सतह में दो सतह रंगीन है ही, तो 2 सतह + 3 सतह बराबर कितना हो जाएगा, 56। क्लियर, आसानी से कर सकते हैं। या और क्या कर सकते हैं, n-2 × 12 + 8, एन माइनस इसे और भी लगा सकते हैं, n-2 × 12 + 8। प्लस 8 क्यों, प्लस 8 वही 48 वाला, प्लस 8 वही किसका वाला, 48 वाला। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, n का मान 6 में से 4 घटाएंगे, सॉरी 6 में से 2 घटाएंगे, 4 में 12 गुणा कर देंगे, 4 × 12 + 8, फिर वही चीज़ें आएंगी, 12 × 48 + 8 = 56। वही चीज़ तो आ रही है, सीधा सीधा तीन घन और दो घन को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, अब बात कर रहे हैं चार सतह, तो क्या घन में चार सतह होती है? हाँ, क्या घन में तो चार नहीं, 6 सतह तो ही है, लेकिन कह रहा है कि कुल कितने ऐसे घन होंगे, या कितने ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी चार सतह रंगीन होगी। तो क्या कभी भी एक ही घन के चार सतह के कलर होने की संभावना है? अगर एक बड़ा सा घन ले लें और उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दें, बांट दें, यह जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, इस यह जो बीच में आ रहा है या जो किनारे पर आ रहा है, इसके चार सतह रंगीन होने की संभावना होगी? कभी भी अगर आप में घन से क्वेश्चन पूछे कि 4 सतह 5 सतह या 6 सतह कलर होने की संभावना, अगर 3 तक पूछता है तो कोने पर, कॉर्नर पर जो घन उपस्थित होता है उसमें 3 सतह रंगीन होने की संभावना होती है। लेकिन
तीन से ज्यादा कभी भी पूछे, चार पूछ दे, पांच पूछ दे, छह पूछ दे, इसके अलावा तो पूछेगा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा सतह होती ही नहीं है। अगर चार पूछे, पांच पूछे या छह पूछे, कुछ भी पूछे, जैसे यहाँ प्रश्न में चार पूछा है, पांच भी पूछ सकता है, छह भी पूछ सकता है, छह भी पूछ सकता है ना, तो चार पांच छह कभी भी जब ऐसा प्रश्न बने तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, शून्य होगा। मतलब कोई भी ऐसा घन नहीं, कोई भी ऐसा घन नहीं जिसकी चार सतह कलर होगी, या जिसकी पांच सतह कलर होगी, या जिसकी छह सतह क्या होगी, कलर होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।